2023 कन्या के लिए कैसा रहेगा? देखिए बेसिकली ये महीने में दिस मंथ विल बी प्रूव बेस्ट टाइम टू लव समवन, टू लर्न समथिंग। बच्चों के लिए अगर प्लानिंग किया है, नया विवाह हुआ और बच्चे के लिए भी प्लानिंग हो सकेगा, बेस्ट टाइम है। बट आफ्टर 27 फरवरी यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। इन शॉर्ट देखिए, जो इस महीने में अगर आपकी नई जॉब है समझो, या कहीं नए पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं अगर आप, तो आपको केयरफुल रहना है 10-11 फरवरी को। हेल्थ के लिए 10 और 11 फरवरी आपको केयरफुल रहना है। 14, 15, 16 फरवरी ये स्ट्रेस आएगा आपको, तो इसको भी कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा। और 23 और 24 फरवरी इस महीने का सबसे एक्सपेंसिव रहेगा दिन, इसको हो सके तो अवॉइड करिएगा। ये दिनों को 10, 11, 14, 15, 16 और 23, 24 फरवरी को अवॉइड करिएगा। आपका करियर का ग्राफ 17 से 22 तक ऊपर ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। इफ यू आर ए जॉबलेस, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है या आप कोई काम धंधे की मुसीबत से लगे हुए हैं, तो 19 और 20 फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा जॉबलेस के लिए। और एक थोड़ा सा अंदाज लेते हैं, जॉबलेस लोगों के लिए 19 और 20 बेस्ट है। पार्टनरशिप का ऑफर भी इस महीने में आ सकता है। अगर आप पार्टनरशिप को प्लान करते हैं, जॉब प्लस पार्टनरशिप का कुछ बिजनेस करने की कोशिश करते हैं पार्टनरशिप में, तो बेस्ट है। ये साल आपके लिए अच्छा पार्टनरशिप का सिचुएशन संजोग लेकर आएगा। और मैंने आपको 27-28 फरवरी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला है, मतलब आपको 27-28 फरवरी केयरफुल रहना है। 7 फरवरी से 26 फरवरी टू लर्न टू लव समथिंग है। और 6 फरवरी तक का जो टाइम है, बड़ा हैप्पी एट योर होम, आपके लिए बहुत अच्छा महीना है ये। और मैं समझता हूं जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए 22 तारीख भी बेस्ट रहेगा। और दोज हु आर अनमैरिड, उनके लिए 12 और 13 तारीख बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।